हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चना दाल का पिट्ठा। ये यूपी और बिहार में बहुत फेमस है। उसके लिए हम चना दाल लिए हैं, हरी मिर्च, लहसुन, इन सबको हम अच्छे से पीस लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा दाल, मिर्च और लहसुन पिसा चुका है। उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद गोलगी पाउडर, जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला। हींग डालने से जल्दी पसता है, इसलिए इसको डाल रहे हैं। उसके बाद डालेंगे हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से सबको हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम एक कंटेनर में पानी गर्म करेंगे और उसमें रिफाइंड तेल डालेंगे। यह हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो चिपके ना। जब तक पानी गर्म हो रहा है, आटा सान के डो बनाना है। हम पहले से आटा सान चुके हैं। उसके बाद हम आटा का लोई बना लेंगे उसके अंदर, क्योंकि उसको फिल करना है। आप अपने हिसाब से लोई को छोटा बड़ा बना सकते हैं। और इसको फिर पिट्ठा का शेप दे देना है। इसी तरह हम एक एक करके सारा पिट्ठा बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब ऐसे भी पिट्ठा बना सकते हैं गूंद कर, ताकि फूले नहीं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पानी अच्छे से उबल चुका है, अब हम इसमें पिट्ठा डाल देंगे। इसको हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, क्योंकि ताकि ये सटे ना नीचे से। हो चुका है, मतलब बन गया है। अब हम इसको निकालेंगे। फ्रेंड्स, हमारा पिट्ठा बन चुका है और हम इसको काट लेते हैं। तो ऐसे पीस पीस कट कर लिए ताकि ये खाने में भी इजी रहे और दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये पिट्ठा आप भी ट्राई कीजिए, घर में बहुत आसानी से बन जाता है, स्वादिष्ट और स्वादिष्ट भी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।